अंबिकापुर शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोपड़ा पारा काली मंदिर के पास असामाजिक तत्वों ने कांग्रेस नेता की कार में आग लगा दी और आग लगाने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कांग्रेस नेता श्यामलाल जायसवाल ने बताया कि देर रात अज्ञात नंबर से कई बार कॉल आया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, जिसके बाद मोबाइल को बंद कर सो गए। कुछ देर बाद घर के दूसरे नंबर पर पड़ोसी ने कॉल करके बताया कि घर के सामने खड़ी कार में आग लगी हुई है, जिसके बाद महान मालिक सहित पूरा परिवार वहां पहुंचा। फैमिली है, उनके यहाँ से कॉल आया कि गाड़ी में आग लग गई है। तत्काल हम लोग जब बाहर निकले हैं तो देखे बहुत तेज गति से आग लगी हुई थी गाड़ी पे। हम लोगों ने पाइप लाइन वगैरह से पानी से बहुत प्रयास किया बुझाने का, दमकल वाले को फोन किया गया, दमकल को आने बहुत टाइम लग गया। दमकल टाइम पे पहुँचती तो कुछ कंट्रोल हो पाती, तब तक पूरी गाड़ी जल चुकी थी और दमकल वाले बुझा के गए। अब दुश्मनी क्या कहा जाए, असामाजिक तत्वों से क्या दुश्मनी रहेगी, कोई गलत फितरत करने वाले ऐसे लोग होंगे कोई। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि कल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चोपड़ा पारा स्थित परिवार निवासरत है उनके घर के बाहर जो कार खड़ी थी उस पर आग लगा दी गई है। उस पर पुलिस को संज्ञान में आते ही मामला पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया है। उसमें पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इसमें सभी पहलुओं की जाँच की जाएगी, कौन इसको किया है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो भी अगर वहाँ लगे हैं तो उसको भी देख कर उसमें अग्रिम कार्रवाई कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।